आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर दीवानी परिसर में जिला जज तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का सभी ने लिया संकल्प। गोरखपुर विश्वविद्यालय के SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केंद्र। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने शाहपुर थाने पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब की जयंती पर SC/ST के मामलों के निस्तारण के लिए लगाया गया है पुलिस चौपाल। सभी अधिकारी SC/ST के मामलों का कर रहे हैं निस्तारण। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भाजपाइयों ने पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर शाहपुर थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। SC/ST के मामलों के फरियादियों का सुना फरियाद। महिला सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, पुलिस चौपाल में आए कुल 125 मामलों में से 29 मामलों का किया गया मौके पर निस्तारण। बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। दो अप्रैल से 14 अप्रैल तक गोरक्ष प्रांत के सभी प्रखंडों में चलाए जा रहे राम जन्म उत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक पृथ्वीराज सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने की है आवश्यकता। किया हिंदू सनातन धर्म पर चलने का आह्वान। सपा पार्टी कार्यालय पर मनाई गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने देश के संविधान के निर्माण में दिया है अभूतपूर्व योगदान। प्रभु श्री राम उत्सव एवं अंबेडकर जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई मनमोहक भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में लिया हिस्सा।